हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सबकी दिवाली बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई होगी। आप लोगों को जैसे कि बोला गया था कि 20 डेज के अंदर इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो मेरी वजह से, मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पा रही थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और होप कि पूरी क्लासेस कंटिन्यूटी में हम ले पाए। सो ब्लेस मी कि मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यूअसली ले पाऊँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम लोग जो यूज पढ़ेंगे, वो यूज पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बता दूं कि यूसेस पढ़ने के बाद उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपने रोज रोज चीज को रिपीट करना है। कोई भी चीज जब रिपीट करेंगे तभी हमें आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। और इंग्लिश एक बहुत बड़ी चीज नहीं कि नहीं आएगी, आएगी और जरूर आएगी, लेकिन उस चीज को हमें रिपीट करना पड़ेगा, अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ लेट। लेट का यूज कैसे होता है? अगर हमें कहना है मुझे सोने दो तो क्या कहेंगे? लेट मी स्लीप। ठीक है, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। तो यहां पे हमें एक स्ट्रक्चर समझ आएगा कि हमने लेट करना है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस रखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस रखना है। अब ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं आपको बताते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। ठीक, ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। ही इज हिम, शी इज हर, मुझे, उसे, उससे। इट्स फॉर मेल और इट्स फॉर फीमेल। फीमेल के लिए हमें क्या यूज करना है? हर यूज करना। मेल के लिए हमें क्या यूज करना है? हिम यूज करना है। अगर दे है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। उन लोगों को सोने दीजिए, लेट देम स्लीप, उन्हें रेस्ट करने दीजिए, लेट देम टेक रेस्ट, उन्हें खेलने दीजिए, लेट देम प्ले, उन्हें बातें करने दीजिए, लेट देम टॉक, राइट? तो आई इज फॉर मी, ही इज फॉर हिम, शी इज फॉर हर, दे इज फॉर देम। तो ये हो गए हमारे क्या? ऑब्जेक्टिव केसेस। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, इट को ऑब्जेक्टिव इट ही होता है, लेट इट बी जाने दीजिए, लेट इट बी जाने दो इसे। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव केसेस। अब आते व्हाट इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे स्लीप है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, हमें ये वाली फॉर्म को उठाना है। स्लीप, गो, कम, राइट? ये क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। आप वर्ब फर्स्ट कोई भी ले सकते हो। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये देखेंगे। इसकी मैं प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसको मेरे यूजर्स में कैसे लेना है, राइट? शैल आई प्रैक्टिस, राइट? हमने कुछ वर्ड्स लिखने हैं और उन वर्ड्स को सिर्फ प्रैक्टिस में लेना है। चलिए, बहुत बेसिक वर्ड्स, कोई भी बेसिक वर्ड्स ले लेते हैं। टॉक हो गया, राइट? वॉक, स्टडी, रीड, लिसन, 1, 2, 3, 4, 5, 6th आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल स्लीप। ठीक, 7 इज द राइट। These are the practice words which are very very common, which we use in our daily life. और क्या हो सकता है? Walk, talk and say wear, say go, say come. चलिए, बहुत सारे basic words, बहुत सारे छोटे छोटे words. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? Let me talk, let him talk, let her talk, let them talk, उन्हें बातें करने दो, let me talk, मुझे बोलने दो, let me walk, मुझे walk करने दो, लेट हिम वॉक, उसे वॉक करने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, लेट देम स्टडी, उन लोगों को पढ़ने दो। इसी तरह से हमें सिर्फ वर्ड्स इकट्ठे करने हैं और उसको हमें पुट करना है। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो, लेट हर कम फर्स्ट, उसे पहले आने दो, लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट कर लेने दो, लेट देम कंप्लीट फर्स्ट देयर स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट पहले उन्हें कंप्लीट कर लेने दो। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड। आई विल जस्ट वेट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। मुझे इन वर्ड्स के साथ आप लोग एक एक सेंटेंस बना करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। अगर समझ आ रहा है दैट्स ग्रेट, अगर नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है? आई नीड
टू नो, मुझे जानने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि क्या चीज इसमें नहीं समझ आ रही है। ठीक है, अब हम लोग एक यूज और सीखेंगे इसी के साथ। लेट स्टार्ट द यूज नंबर टू। लेट का यूज फर्स्ट क्या था, ने दो के सेंस में, मुझे जाने दो, लेट मी गो। एक होता है लेट्स, लेट्स लेट्स के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम कहते हैं ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चलो चलते हैं, चलो करते हैं, इट्स अ सजेशन, ठीक है चलो ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स सेलिब्रेट, चलो सेलिब्रेट करते हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, चलो एक कप कॉफी पीते हैं, राइट right? तो यहाँ पे ये जो लेट्स है, लेट्स का मतलब होता है चलो चलते हैं, चलो करते हैं, जैसे सजेशन, लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व द मैथ्स, चलो मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड यूज। द फर्स्ट इज द लेट का यूज, ने दो, एंड सेकेंड इज फॉर सजेशन। अगर ने दो है तो लेट ऑब्जेक्टिव केस और वी वन, और अगर चलो चलते हैं, चलो करते हैं जैसे सजेशन, तो यहाँ लेट्स वी वन, लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक द एग्जाम्स, लेट्स स्पीक इंग्लिश, राइट, दिस इज द सेकेंड यूज। सो आई नीड योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर वीडियो थोड़ी सी भी समझ आ रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए यस को ऑप्शंस कर दीजिए, अगर नहीं समझ आ रही तो नो के साथ एक्सप्लेनेशन की क्या नहीं समझ आ रहा, राइट। सो थैंक यू सो मच।